नमस्कार। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से खबर आ रही है, कुछ अज्ञात लुटेरों ने घरेलू गैस के सेल्समैन से 30,000 रुपये की लूट की है। आपको बता दें, आज हरिप्रिया गैस एजेंसी के सेल्समैन के साथ अज्ञात लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दे डाला। सेल्समैन अरुण कुमार के अनुसार, जब वह डाडेली की ढाणा गांव से गैस सिलेंडर बांट रहा था, दाबकी गांव की ओर जा रहा था, तभी पीछे से दो युवक आए और उन्होंने उसे तमंचे के बल पर रोक लिया। 34 सिलेंडरों के लगभग 30,000 तमंचे के बल पर लूट लिए। इसके बाद परेशान अरुण कुमार कोतवाली लक्सर पहुंचा और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस घटनास्थल की ओर निकल पड़ी। पुलिस ने गांव में कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हरिद्वार से अजय करण की रिपोर्ट। भैया, मैं हरिप्रिया गैस से काम कर रहा हूँ और ढाटे गांव में गैस बांट के मैसरी साइड आ रहा था। बीच सुनसान जगह में दो लड़के मिले मुझे, उन्होंने हाथ देकर तमंचे दिखाकर रोक लिया मुझे। तमंचे के जोर पर सारे पैसे निकाल लिए मैंने, लगभग 30,000 के करीब थे मेरे पास। कितने पैसे थे आपके पास? 30,000, 33-34 सिलेंडर के पैसे थे 33 के। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी, फिर बाद में पुलिस को सूचना दी थाने में जाकर, उनके साथ मैं यहाँ पे आया, कैमरे वगैरह चेक कराए, कहीं नहीं पता लगा तब तक उनका। ठीक है।